9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इन दिनों अंडरवर्ल्ड के डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम, जी हां, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा था कि उन्हें किसी अपने ने ही जहर दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया गया। अब इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है, इसके जो पुख्ता जांच है वो हुई, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर ये नहीं बताया कि क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात सच है। लेकिन जैसे ही दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात सामने आई तो दाऊद इब्राहिम से जुड़े वो सभी पुरानी बातें एक बार फिर से ताजा होती हुई नजर आई, जिन्होंने 90 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल आपको बता दें कि दाऊद की अगर बात करें तो भले ही अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा था, लेकिन दाऊद जितना ज्यादा गर्म मिजाज या यूं कहें कि खूंखार क्रूर था, उतना ही ज्यादा नरम दिल और दिल फेक भी था। बॉलीवुड की कई हसीनाओं पर दाऊद का दिल आया, इन्हीं में से एक थी मोनिका बेदी। लेकिन मोनिका बेदी दाऊद को नहीं बल्कि अबू सलीम को चाहती थी। ऐसे में अगर मोनिका सिंह बेदी की बात करें तो मोनिका ने जब दाऊद का दिल तोड़ा तो मोनिका को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि मोनिका जेल भी गई। लेकिन अबू सलीम के साथ मोनिका का प्यार सच्चा था और इसीलिए उन्होंने दाऊद के साथ रहने की जगह जेल की सलाखों को चुनना ज्यादा जरूरी समझा। मोनिका की अगर बात करें तो एक समय था जब मोनिका की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। मोनिका की फैन फॉलोइंग बहुत ही कम समय में इतनी ज्यादा हो गई कि उनके फैंस अपने खून से उनके लिए लव लेटर लिखकर भेजा करते थे, और शायद मोनिका की खूबसूरती से ही दाऊद इब्राहिम भी कायल हो गए और चाहते थे कि मोनिका उनके साथ रहे। लेकिन मोनिका अबू सलीम को चाहती थी, जिसके चलते मोनिका को कई फिल्मों से बाहर भी किया गया। लेकिन मोनिका हर तिरस्कार को बर्दाश्त करती रही, झेलती रही, आखिरकार क्यों, जानिए इस खास रिपोर्ट में। एक गैंगस्टर और एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट, अबू सलीम के नाम से मोनिका बेदी का नाम जोड़ा गया। वो मोनिका बेदी जो कभी फिल्मों पर राज करती थी, लोगों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन मोनिका बेदी ने जब अबू सलीम से दिल लगाया तो करियर से हाथ धो बैठी। कहा जाता है कि वो उनके ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मोनिका बेदी ने अबू सलीम के साथ जब रिश्ता जोड़ा तो सुर्खियां बन गई, अखबारों की सुर्खियां जो सबसे ऊपर आती थी। मोनिका ने अपने करियर से तो हाथ धोया, लेकिन उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक पलों को भी देखा था। मोनिका बेदी के जेल जाने के बाद जो कॉन्ट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई और अबू सलीम के साथ जिस तरीके से नाम जोड़ा गया था, कई चीज़ें बाहर निकल कर आईं। कई एक्ट्रेसेस के साथ कुछ इसी तरीके के जो सीन्स थे वो होते थे, कई एक्ट्रेसेस का नाम जोड़ा गया। अबू सलीम के साथ भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं जो थी वो बार बार हो रही थी। कई बार अबू सलीम को पकड़ने की कोशिश की गई थी और मोनिका सिंह बेदी, जो कि अब फिल्मों में काफ़ी कम नज़र आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप मोनिका सिंह बेदी को सर्च भी करेंगे तो आपको शायद वो छवि आज नहीं नज़र आएगी। इसके पीछे का कारण वही था कि अबू सलीम के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा, ये रिश्ता जो कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अबू सलीम के साथ की गई इस बड़ी गलती की वजह से आज मोनिका सिंह बेदी को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इसकी वजह यही रही कि बॉलीवुड में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कब्जा रहा है और जिस तरीके से बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज रहा, लोग इस बात से वाकिफ हैं कि बॉलीवुड की फिल्में अगर बनती थी तो अंडरवर्ल्ड के उंगलियों पर, और अगर एक्ट्रेस उसमें डेब्यू भी करती थी तो वो भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर ही। बॉलीवुड के साथ अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बेहद पुराना है। भले ही आज बॉलीवुड में एक्टर्स अपने दम पर राज करते हैं, लेकिन एक ऐसा ज़माना था जब बड़े बड़े सितारे अंडरवर्ल्ड के कदमों के नीचे धराशाही होते थे।
देखा आपने, आपको बता दें कि अगर बात करें मोनिका बेदी की तो इस वक्त वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है, लेकिन अगर अबू सलेम के साथ उनका रिश्ता नहीं होता, अगर दाऊद इब्राहिम की नजर उन पे नहीं पड़ती तो शायद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा नाम कमा सकती थी, क्योंकि मोनिका सिंह बेदी की अगर बात करें तो बहुत ही कम समय में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय से फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे और चाहते थे कि मोनिका और फिल्मों में नजर आए, लेकिन ऐसा हो ना सका। मोनिका की अगर बात करें तो वो कई बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए आखिरकार उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और गुमनामी की जिंदगी इस वक्त मोनिका बेदी जीने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।